नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सीपीयू टीम ने कार की नंबर प्लेट लगाकर घूम रही बाइक को किया सीज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ आयोजन। एकम सनातन भारत दल ने किया मिष्ठान वितरण। नागनाथ मंदिर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। दो वारंटी को थाना आईटीआई पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुंडा थाना पुलिस ने की एक वारंटी की धरपकड़। अवैध कच्ची शराब के साथ कुंडा थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ा। बार एसोसिएशन में मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में सीपीयू द्वारा लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गाड़ियों को सीज कर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है, जिसके तहत आज एक अलग ही मामला सामने आया। आपको बता दें, सीपीयू टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक पर कार की नंबर प्लेट लगी हुई पाई गई, जिसके बाद सीपीयू टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज कर लिया है। अभी ज्ञानार्थी पर चेकिंग कर रहे थे तो गाड़ी रोकी गई हमारे कांस्टेबल द्वारा। तो हमने इसका नंबर मशीन में डाला तो चेक किया तो देखा तो कार का नंबर था। कोतवाली लाके सीज कर दी। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। भारत में जगह जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जा रहा है, जिसके चलते आज काशीपुर महानगर कांग्रेस द्वारा इस यात्रा को काशीपुर मोहल्ला किला से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक निकाला गया, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस द्वारा कई आरोप भी लगाए गए। संदेश भी है कि देश में हम जो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, ये न्याय यात्रा एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को लेकर चल रही है। और हम राजीव गांधी जैसे कि कहते हैं ना कि ईस्ट से वेस्ट तक की ये यात्रा है, जिसमें हमने जो हमारे अगर उत्तराखंड को ले भंडारी के साथ जो न्याय हुआ है उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई जो यंत्र मंत्र में हमारी बहनों ने धरना दिया, उनको न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए आगे बढ़ी है और लड़ी है और लड़ती रहेगी। हमारी संदेश देते हुए हम आज इस बात को प्राप्त करेंगे कि तानाशाही से हटकर नैतिकता, न्याय, आर्थिक और सामाजिकता को बल देते हुए हम अपने देश में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं, न्याय को महत्व देते हुए देश को आगे बढ़े। माननीय राहुल गांधी जी, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करी है, उत्तराखंड में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के अनुसार उत्तराखंड में आज 17, 18, 19 तीन दिन यात्रा चलेगी। आज उसी के तहत काशीपुर में आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जो मोहल्ला किले से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पर सभा में तब्दील होगी और माननीय राहुल गांधी जी के संदेशों को और आदेशों को हमने जनता तक पहुंचाना। जिसे न्याय नहीं मिल रहा उसे न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में बहुत जोरों शोर से है, उसका वीवीआईपी नाम चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं होगा और तरह तरह की लोकल की समस्याएं, हमारा फ्लाई ओवर नहीं बना है, इन सब समस्याओं को लेकर हमें न्याय चाहिए और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुआ है, उस यात्रा को श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 6,700 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे और लगभग 100 लोकसभाओं से 337 विधानसभाओं में ये यात्रा होकर गुजरेगी। 110 जिले में ये यात्रा जाएगी और प्रत्येक जन जन से जुड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले एकता, कौमी एकता, प्यार, मोहब्बत का संदेश और मोहब्बत की दुकान का संदेश राहुल गांधी जी ने सड़कों पर चलकर दलितों, वंचितों, शोषितों के आंसुओं को पोंछते हुए उनको अपने गले से लगाते हुए प्यार का पैगाम दिया। आज देश के जो हालात हैं, मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है। मणिपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से बहनों को घसीट करके, महिला शक्ति को, महिलाओं को घसीट करके उनमें से एक कारगिल सैनिक की धर्म पत्नी भी थी, उसके साथ किस तरीके से बुरा व्यवहार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और ऐसे असंख्य केस वहाँ पर हुए, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार में वहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होते और दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह से हरियाणा की जो हमारी खिलाड़ी बहनें थी, किस तरीके से उनको सड़कों पर रौंदा गया और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। इसके आगे अगर हम बनारस की तरफ चलेंगे, यूपी की तरफ चलेंगे, तो बीएचयू की छात्रा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें 3 भाजपा के नेता
उस यौन जो आरोप लगाया उस छात्रा ने उसमें लिप्त थे, उनके नाम से मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी और उनको बचाने का काम किया गया प्रशासन और सरकार के द्वारा। इसी तरीके से देश ने देखा कि बिल्किस बानो के साथ जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार करने के दोषियों को गले में मालाएं बना करके उनका तिलक लगा करके उनको संस्कारवान बता करके देश के अंदर भाजपा ने उनका स्वागत किया गया। हम न्याय उन बहनों के लिए मांग कर रहे हैं जिन जिन यात्राएं जिस राज्य से होके गुजरेगी, बल्कि उन राज्यों के अलावा पूरे देश की बेटियों, चाहे वो पूर्वोत्तर से राज्य हमारी प्रारंभ होगी और पश्चिम में जाके गुजरात में ये समाप्त होगी, लेकिन हम पूरे देश की महिला शक्ति के सम्मान के लिए उनको न्याय मिले इस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस देश के युवाओं के साथ न्याय हो, इस देश के किसानों के साथ न्याय हो, इस देश की बेटियों के साथ न्याय हो, इसलिए आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पे है और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी मणिपुर से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उसी परिवेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हमारी इस यात्रा का उद्देश्य भारत के चार सिपाही सामाजिक और राजनीतिक हम इसमें पहले चाहूंगा मेरे अपने अजीता जी अजीता सिंह जी कृपया याद आइए, आइए हम लोगों के साथ हमें सामाजिक क्षेत्र भैया जितना आर्थिक क्षेत्र में न्याय दीजिए विकास की मंडला तो भाई रामचंद्र जी का बहुत पिछड़ गया है, आनंद भाई का देश हमारे और देश हमारे इसका उद्देश्य भारतवासियों को जोड़ने का, उनके अंदर आह्वान करने का, सत्य के साथ रहो, सब जने मिलकर रहो। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं पूरे देश के लिए। न्याय का मतलब यह है कि सब जनों को रोजगार मिले, सब अच्छी दिशा में आगे बढ़ गए बढ़े और प्रेम पूर्वक पूरा देश जैसे पहले चलता आ रहा है आगे से आगे एक साथ गले से गले मिलकर आपस में लोग मिलकर रहे, भाइयों की तरह रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज काशीपुर में एकम सनातन भारत दल द्वारा महाराणा प्रताप चौराहे पर पार्टी पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि पार्टी का नाम पहले एकजुट जम्मू था, जिसे अब एकम सनातन भारत दल कर दिया गया है। साथ ही सदस्यों द्वारा पार्टी के सप्त संकल्प से भी अवगत कराया गया। देखिए, सनातन धर्म को अगर अक्षुण रखना है तो इसके लिए एक नया पॉलिटिकल आउटपुट, नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है, जिसका नाम है एकम सनातन भारत दल। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुश शर्मा जी हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारी पार्टी को पहले एकजुट जम्मू की पार्टी के नाम से जाना जाता था, हमारे एकजुट जम्मू पार्टी से नाम बदलकर एकम सनातन भारत दल करने के लिए अंकुश शर्मा जी ने लगभग 6 महीने पहले अप्रोच किया था, लेकिन किन्हीं दबाव से इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर रहा था। अंततः अंकुश शर्मा जी को जम्मू हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो जम्मू हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, जब विधि सम्मत है तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक पत्र जारी किया और पूरी कानून सम्मत एकजुट जम्मू भारती का नाम एकम सनातन भारत दल उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इसी खुशी में हम लोग इस कार्यकर्ता काशीपुर का कार्यकर्ता यहाँ सब एकत्र होकर मिष्ठान वितरण कर इस खुशी मना रहे हैं। सर, जब नई पार्टी बनी तो जो भी आने वाले इलेक्शन चुनाव होंगे उसमें यह पार्टी अपने क्षमता अनुसार
डेफिनेटली इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा जिला काशीपुर में लगातार स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत मंदिर परिसरों में भी साफ सफाई की जा रही है। वहीं नागनाथ मंदिर में भी आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिस दौरान रवि प्रजापति, मंजू यादव, सुरेश सैनी, अभिनव राजपूत, प्रियांशु कठुरिया आदि मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में थाना आईटीआई पुलिस द्वारा दो वारंटियों को दबिश देकर उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए दोनों वारंटियों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने एक वारंटी को ग्राम गढ़ी नेगी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए वारंटी के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने बीती शाम गश्त के दौरान अनाज मंडी के पीछे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर बार एसोसिएशन में आज गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई, जिस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे ने सभी अधिवक्ताओं को हलवा का प्रसाद बांटा और गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं दी। आज हमारे काशीपुर बार एसोसिएशन में 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया और हम सब लोग उनके बहुत ऋणी हैं। उनकी वजह से आज हम लोग सारे सनातनी यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हम लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे। सदैव एकजुट होकर के हिंदू समाज को, सनातनी समाज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और विश्वास। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।